हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एनोलॉजी अर्थात सादृश्यता। सादृश्यता क्या होता है और इसमें कहां कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारे चीज़ों को आज हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करें इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एनोलॉजी को हम समझते हैं क्या होता है। एनोलॉजी एनोलॉजी का मतलब ये होता है समरूपता। समरूपता क्या होता है, किस आधार पर हम करेंगे उसमें, जैसे कोई दो वस्तुएं देंगे उनके आकार के आधार पर, उनके रंग के आधार पर, या उनके किसी भी क्वालिटी के आधार पर उनके में विभेद करना, उनके में अंतर करना ही हमारा ये एनोलॉजी या सादृश्यता कहलाएगा। ये कितने प्रकार के होते हैं आइए इसको समझते हैं, ये कितने तरह के इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लेते हैं। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ एनोलॉजी। तो दोस्तों, हमारा ये टाइप है, टाइप देख लेते हैं। टाइप तीन प्रकार के होंगे। पहला होगा लेटर बेस्ड अर्थात शब्द आधारित सादृश्यता, दूसरा है वर्ड बेस्ड एनोलॉजी अर्थात अक्षर बेस्ड सादृश्यता, तीसरा है नंबर बेस्ड एनालॉजी अर्थात अंक आधारित सादृश्यता। ये तीन प्रकार के होते हैं, इनको हम अलग अलग और अलग अलग विधियों द्वारा पढ़ेंगे। पहला लेंगे दोस्तों लेटर बेस्ड एनालॉजी, इसको लेकर हम अध्ययन करेंगे, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे इन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहला टाइप लेते हैं लेटर बेस्ड एनालॉजी। तो दोस्तों, हमारे फर्स्ट टाइप है और फर्स्ट टाइप में लेटर बेस्ड एनालॉजी। लेटर बेस्ड एनालॉजी क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो दोस्तों, लेटर बेस्ड एनालॉजी में क्या होता है कि कोई भी अल्फ़ाबेट का लेटर दिया होता है, उसके क्रमांक को या अपोजिट देगा या तो सीधा देगा, उस आधार पर क्वेश्चन बनते हैं और उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है उसके ऑप्शन को हम टिक करते हैं। चलिए देखते हैं इस पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आइए उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देखिए, इसमें दिया है सी ए आर ई का संबंध आर ए सी ई से जिस प्रकार है, उसी प्रकार एस ओ ए आर का संबंध इन ऑप्शनों में से किससे होगा। तो पहले इन दोनों में रिलेशन देखते हैं क्या किस प्रकार बनाया है, वही अप्लाई यहाँ भी करेंगे। तो हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आर ए आया है, आर ए आया है अर्थात आर ए यहाँ बीच का उठाया है और बीच को उठाकर ए आर को इसने उल्टा कर दिया, आर ए कर दिया है, और सी ई सी ई को जस्ट यहाँ लिख दिया है। इसी प्रकार यहाँ भी अगर करेंगे एस ओ ए आर है, एस ओ ए आर इसमें का बीच को उठाया, इसको उल्टा करिए, जैसे इसको इधर कर दीजिए ए ओ हो जाएगा और इन दोनों को जस्ट लिख लीजिए इसी की तरह। देखिए, इसमें भी वही काम किया है, ए आर है, ए आर को क्या किया, उल्टा किया, आर ए कर दिया है, इसके बाद सी ई सी ई को जस्ट लिख दिया लास्ट में, वही हम भी यहाँ किए हैं। यहाँ ऑप्शन हमको इस तरह का किस में मिल रहा है, ऑप्शन बी है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा। आइए इस पर उदाहरण और भी कुछ हैं, उदाहरण क्या हो सकते हैं आइए हम देख लेते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देख लीजिए, इसमें कहा है आर ए आई एल जेड आई ओ आर, ठीक है, ये एक दूसरे में जिस प्रकार रिलेशन रखते हैं उसी प्रकार ई एक्स ए एम का संबंध इन चार ऑप्शन में से क्या है, आइए इसको हम देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। कहा है आर ए आई एल, उसमें देगा कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा, जेड आई ओ आर है, ठीक। हम देखते हैं आर, आर का अपोजिट आई होता है ना, यहाँ बनाना, और ए, ए का अपोजिट जेड होता है, यहाँ भी देखें आई का अपोजिट आर और एल का अपोजिट ओ होता है। अब यही रिलेशन सेम यहाँ भी बनाएंगे, ई एक्स ए एम, हमको ई का अपोजिट क्या होगा, बताए थे ना ट्रिक, एल ओ वी ई अर्थात एल का अपोजिट ओ और वी का अपोजिट ई, ये हम ट्रिक बताए हैं पिछले वीडियो पर, आप हमारे अल्फ़ाबेट वाला हम जाकर देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान ज़बरदस्त ट्रिक बताए हैं। अर्थात हम देख रहे हैं एल का अपोजिट ओ अर्थात और वी का अपोजिट ई, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका ई का अपोजिट वी होगा। इसके बाद एक्स, एक्स का सी एक्स होता है, इसका अपोजिट सी हो गया, और ए, ए का अपोजिट यही देखें, ए का अपोजिट क्या होगा, जेड, और एम का अपोजिट एन होता है, अर्थात हमको मिला क्या, सी वी एन जेड, किसका ऑप्शन है, सी वी एन जेड, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है।
तो दोस्तों हमने देखा ना कितना आसान है। चलिए इस पर उदाहरित और भी कुछ हैं आधारित, क्या उदाहरण हो सकते हैं आइए हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट उदाहरण है, इसमें देख लीजिए, इसमें कहा है, क्वेश्चन दिया है, जैसे इनका रिलेशन इससे जैसे दिया है F5F7H का रिलेशन 10K9J से जिस प्रकार है उसी प्रकार 3D8I का संबंध इन चारों में से किस प्रकार है। पहले इन दोनों का रिलेशन देखते हैं किस प्रकार है। तो हम देख रहे हैं 5F7H है, ठीक। हम अगर इसको नंबरिंग लिखेंगे 5 का और 7 का तब आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। 5 के लिखेंगे E, F है, H 7 है, 7 का होता है क्या G होता है, H होता है, 7 पे G आता है नंबर ना। हम ये देख रहे हैं एक संख्या बढ़ E F, एक संख्या की वृद्धि हो रही है अर्थात G H, अर्थात यहाँ भी एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक आगे की ओर बढ़ रहा है। अगर इसको देखते हैं 10K9J, 10 का होता है J, के और 9 होता है I और J। यहाँ भी हम देख रहे हैं दोस्तों J के बाद K, एक बढ़ा ना, एक क्रमांक आगे बढ़ा I, और I के बाद J, यहाँ भी एक क्रमांक आगे बढ़ रहा। तो इसी प्रकार इस पर भी अप्लाई करेंगे 3D8I। 3 होता है किसका, C का, CD हुआ ना, और H 8 का होता है ना, और I HI। अब हम इसमें देख क्या रहे हैं कि हमेशा एक क्रमांक आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो इसमें भी इन ऑप्शन में चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन होगा जो इसी को फॉलो करेगा। हम देख रहे हैं सी दिया है और सी का क्रमांक क्या होता है, जी नहीं सॉरी एफ होता है, एफ हमारा 6 आता है, एफ के बाद क्या आना चाहिए, एफ जी आना चाहिए, लेकिन जी नहीं आया, के आया, इसलिए हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसको देखते हैं 10 पर क्या आता है, जे आता है, और जे के बाद क्या आना चाहिए, के आना चाहिए, 11 हमारा जे के बाद जी आ रहा है जो कम है, घट रहा है, इसलिए भी ऑप्शन ये होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सी हमारा दिया है 6, और 6 पर क्या होता है दोस्तों, 6 पर हम अभी बताएं आपको क्या होगा, एफ होगा, एफ के बाद जी आ रहा है अर्थात ठीक है, और 10 का क्रमांक क्या होगा, जे, और जे के बाद के आएगा, अर्थात हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ये सही है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इसमें आधारित होते हैं और हर एक एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।